गाइज़, मैं आज आपको NSMU का पूरा आउटर टूर देने वाली हूँ। तो ये है मेन बिल्डिंग NSMU की, एंड ये है मेन बस स्टॉप। यहाँ से आप डायरेक्टली NSMU के मेन बिल्डिंग में घुस सकते हो। और मैं यहाँ पे उतरूँ एक्चुअली, ये है कलित का पार्क। इसके सामने ये बहुत बड़ा सा पार्क है, बहुत सुंदर सा। यहाँ से होते हुए मैं जाऊँगी यूनिवर्सिटी की तरफ, फिर पूरा आपको यूनिवर्सिटी दिखाऊँगी, और वहाँ से होते हुए मैं आपको ये बैक यार्ड दिखाऊँगी यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे बीच है और ये है इटर्नल फ्लेम। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। Hey guys, welcome back to my channel. I'm Prerna Mishra. So guys, आज के वीडियो में भी मैं आपको यहाँ का समर दिखाने वाली हूँ। एक्चुअली मैं अभी यहाँ कलित का पार्क साइड आई थी, और यही एरिया मैंने आपको विंटर्स में भी दिखाया है, मैंने आपको स्प्रिंग में भी दिखाया है, तो ऑफकोर्स समर में भी दिखाना बनता ही है। तो आई एम हियर। अभी यहाँ पे थोड़ा सा बारिश वाला मौसम था और बहुत ही ज़्यादा कीचड़ कीचड़ हो गया था, बट आज मौसम बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा आज मौका मिला है तो मैं आपको दिखाई देती हूँ कि अभी यहाँ समर्स कैसे दिखता है। गाइज, अगर आपको NSMU में एडमिशन लेना है तो आप दिए गए जो मेल है स्क्रीन पर उसमें आप मेल कर सकते हो मुझे, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आपको सारी मैं या मेरी टीम में से कोई भी आपको प्रोवाइड कर देगा। बट प्लीज़ गाइज, आप मुझे इंस्टा में मैसेज मत करना, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी लाइक 1000 to 2000 मैसेजेस पर डे आ रहे हो, तो सबका रिप्लाई करना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ आप मुझे मेल ही करना, एंड आई अश्योर यू कि आपका एडमिशन का हो जाएगा NSMU में बिना किसी दिक्कत। सो गाइज, ये है हमारा बस स्टॉप जहाँ पे मैं उतरी हूँ, कलित का पार्क। एंड अभी आप देख सकते हो कि ये एरिया पूरा बर्फ से खाली हो गया है, कुछ नहीं है यहाँ पे अभी, पूरा मस्त प्लेन हो गया है। पहले तो कीचड़ बर्फ जो देखो वो था, तो अभी समझ में ये है कि पूरी जगह मस्त साफ हो गई है। और मैं आपको सराउंडिंग भी दिखा देती हूँ कि अभी देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बारिश हुई थी इसलिए ये ऐसा हो गया है। एंड अभी देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा ग्रीनरी आ गई है, ये एरिया में पूरा ग्रीनरी आ गई है। और देखो कहीं ना कहीं अभी भी, मैंने आपको बताया बारिश का मौसम है तो बादल अभी भी बने ही हुए हैं। बट चलो फिर मैं आपको आगे चलते चलते दिखाती हूँ यहाँ पे अच्छा माहौल पूरा। और गाइस देखो, ये है मेन सिटी सेंटर, और अभी देखो ये एरिया कितना सुंदर लग रहा है। उस टाइम पूरा ही ये बर्फ से ढका हुआ था, कीचड़ कीचड़ था, अभी देखो पूरा साफ हो गया है। एंड बहुत अच्छा मौसम हो गया है अभी देखा जाए तो। गाइस, ये हम आ गए वो फेवरेट हमारा गार्डन, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि आप बैठ सकते हो, घूम सकते हो, यू कैन चिल, है ना। तो वही ये है ये गार्डन, मैं अभी आपको पूरा अच्छे से दिखाती हूँ ये गार्डन। गाइस देखो अभी कितना सुंदर लग रही है ये जगह मुझे, मतलब जब ठंड थी ना तो मुझे तो पता भी नहीं था कि ये इस तरह से है यहाँ पे, क्योंकि इतना तो बर्फ ही रहता था, तो कुछ पता ही नहीं चलता था कि ये इतना लेवल पे है ऊपर। अभी पता चल रहा है जब बर्फ बर्फ सब हट गई है यहाँ पे। एंड देखो यहाँ पे घास भी कितना अच्छा, आई थिंक ये पूरा मेंटेन किया जाता है, ये अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं तभी इतना, देखो कुछ ज़्यादा ही वेल मेंटेन्ड है ये। सो यू कैन सी ये पार्क बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगा है अब तो, क्या बता। मतलब जब मैं स्प्रिंग टाइम आई थी, जब मैं स्प्रिंग टाइम आई थी उस टाइम भी इतना सुंदर नहीं लग रहा था जितना अभी लग रहा है। और यार इतने टाइम बाद गाइस धूप निकली है ना कि क्या बताऊँ, इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब इतना अभी
चार पांच दिन से इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, पूरा बादल ही बादल था। अभी भी आपको मैंने दिखाया कि बादल ही था मौसम, लेकिन चलो बारिश नहीं हो रही है और थोड़ा अभी धूप निकली है जो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और बाय द वे आप सोच रहे होंगे कि हाँ मैं बोल तो रही हूँ समर्स आ गए हैं लेकिन मैं जैकेट क्यों पहनी हूँ, तो सीधी सी बात है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो पहले टेम्परेचर जो स्प्रिंग जब आ गया था, जब मैं आपको दिखा रही थी उस टाइम, तो उस टाइम टेम्परेचर चला गया था 20 से 22 के अराउंड पे था। लेकिन अभी जब बारिश होने लगी तो अब टेम्परेचर 10-11 ऐसा आ गया, तो वापस से फिर इतना डाउन हो गया कि अब ठंडी आ गई है हल्की सी। वैसे यहाँ पे खूब सारे प्लांटेशन करके रखे, अभी धीरे धीरे उगेंगे और अच्छे ही लग रहे हैं। अभी भी देखा जाए तो धीरे धीरे इसमें फ्लावर्स अच्छे आएंगे। और उधर मैं आपको जाके दिखाती हूँ, उधर तो ऑलरेडी प्लांटेशन आ गई, उधर क्या यहाँ भी प्लांटेशन आ गई है। ये अपने इंडिया वाले ही फ्लावर है, कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें, ये हमारे इंडिया वाले ही फ्लावर्स है। देख लो आप क्या बोलते हैं उसको, मैरीगोल्ड आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा, आप बताना मुझे कमेंट्स में कि मैरीगोल्ड ही है कि क्या है, बट आई थिंक ये मैरीगोल्ड ही है। और ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है ना ये फ्लावर्स, ये तो रशिया में, मतलब स्पेशली यहाँ मैंने ये फ्लावर्स तो बहुत ज़्यादा ही देखे हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही अबेंडेंस में है, जहाँ देखो वहाँ यही फ्लावर्स है। मेरे हॉस्टल के भी अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो उसमें भी आपको यही सबसे ज़्यादा मिलेंगे, ये वाले फ्लावर्स देखो हर जगह उगे हुए हैं, मतलब ये शायद अनवांटेड फ्लावर्स है जो हर जगह उग रहे हैं। और ये गाइस ये जगह देखो कितनी सुंदर लग रही है, अब उस टाइम तो पूरा बर्फ बर्फ था और कीचड़ कीचड़ हो गया था, अभी कितनी प्यारी लग रही है ये जगह। और गाइस एक ये पेड़ है, ये वाला वाइट वाला जो कि उधर भी था, ये तो ये जो पेड़ है ना ये मुझे बहुत पसंद आते हैं, यहाँ पे ये वाले पेड़ भी कुछ ज़्यादा ही है। और इनके क्या है ना, मैं आपको पास ले जाके दिखाऊंगी, पहले तो मैं आपको इधर दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर भी पूरी प्लांटेशंस वगैरह हो रही है, मतलब कुल मिला के अब ये पूरा फ्लावर फ्लावर से ही भर जाएगा। देखो आई थिंक सब रख के गए ये, इसको पूरा यहाँ पे सो करेंगे अभी, तो यहाँ पे सारे फ्लावर्स वगैरह रख के गए ये, एंड इधर तरफ मोस्टली सारे फ्लावर्स वगैरह लग गए, तभी वो ब्लूम भी करने लग गए। एंड देखो कितने प्यारे लग रहे सब। और यहाँ से गाइस जब आप इंडिया जाते हो ना, तो जब आप इंडिया जाते हो ना तो आप ऐसे सीड्स भी ले जा सकते हो, लाइक ये सारे फ्लावर्स के मिलते हैं यहाँ पे सीड्स, ठीक है, तो आप वो सब भी ले जा सकते हो, अपने घर में लगा सकते हो। ओ गॉड बहुत हवा चल रही है यार, क्या बताऊँ, टोल्ड यू ये जगह बैठने बैठने के लिए भी अच्छी है, तो यहाँ लोग आके बैठते भी है। बट मैं अभी आपको वो पेड़ के पास ले जाके दिखाती हूँ, या फिर आई शुड गो टू डैट, अरे वहाँ चलते, वो उधर साइड चलते, उधर भी ये सेम ही पेड़ है, उधर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं कुछ बता रही थी, मैं उधर ही जाके आपको बताती हूँ। वाइट वाइट कलर का दिख रहा है ना ये फूल, ये पूरा गिरता है एंड ऐसे हर जगह गिर के उड़ता रहता है, और ये इतने प्यारे लगते हैं, देखो ऐसा दिखता है ये। एंड आई डोंट नो इसमें कोई स्मेल है कि नहीं, तो आप स्मेल करके देखते हैं, आए हैं तो इतना तो करेंगे। मेरी नाक खराब है कि मुझे कुछ स्मेल ही नहीं आ रही है इसमें, आई थिंक इसमें स्मेल तो है बट एज अ होल कुछ आ रहा है मुझे, मतलब एक मैंने जैसे फ्लावर स्मेल किया ना तो उसमें से नहीं आ रही है, मतलब पूरे पेड़ में से ऐसा कलेक्टिवली आ रही है, समझ गए ना आप, बात समझ जाओ यार मेरी। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो गाइज अभी मैं आपको यूनिवर्सिटी वाला एरिया दिखा देती हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी का एरिया कैसा है। उससे पहले देखो ये जगह, यहाँ पे मैंने पहले शूट किया है, आई डोंट नो कि आपको याद है कि इतनी हवा है यार,
गाइस तो मैं अभी आपको यूनिवर्सिटी वाला एरिया दिखा देती हूँ, जो कि ऑफकोर्स आगे जाना पड़ेगा मुझे उसके लिए। तो मैं आपको वहाँ का एरिया दिखा देती हूँ कि वो समर्स में कैसा लग रहा है। एंड उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ। तो गाइस अगर आपको ये एरिया याद हो तो आप मुझे कमेंट में बताओ ये एरिया कौन सा है। चलो अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं अभी आपको बता ही देती हूँ। ये एरिया वो था जहाँ से मैं उस जगह से निकली थी, एंड मैं इधर से सीधा जा रही थी और मैं कलितका पार्क गई थी, एंड वहाँ से मैं एक शॉप गई थी, ठीक है, और मैंने लिया था आईफोन उस दिन। तो ये वही वाला एरिया है। उस टाइम आपको याद होगा पूरा बर्फ़ था यहाँ पे। अभी देखो एक तो ये गाड़ियाँ क्या बताई, देखो अभी पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी हो गई है यहाँ पे, पूरा मस्त ग्रीनरी आ गया है। चलो मुझे तो आपको यूनिवर्सिटी दिखानी है, तो देखो गाइस यूनिवर्सिटी अभी हमारी कितनी सुंदर लग रही है, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी हो गया है। अभी देखो अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये एरिया पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। मतलब देखो पहले क्या थे ना, एकदम पहले तो पूरे स्नो ही थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये झाड़ जैसे हो गया और अभी इसमें ग्रीनरी आई है। तो आपके लिए मे भी ये उतना अच्छा नहीं होगा, शायद आपको लग रहा होगा कि हाँ क्या ही नहीं बातें, लेकिन जब हम यहाँ रहते हैं ना तो यही सारी चीज़ें हमें बहुत सुंदर लगने लगती है और बहुत ही इंजॉय करते हैं हम ये सारी चीज़ों को देख के। तो गाइस ये एरिया जो है इधर से ही कैंटीन है उधर, और ये पॉलीक्लिनिक है, सो यू कैन सी। तो ये एरिया भी बहुत अच्छा हो गया अभी, तो जब हम बैकयार्ड दिखाएंगे आपको तो आपको समझ आ ही जाएगा कि कितना सुंदर लग रहा है। अभी देखो ऐसे ऐसे अभी आपको समझ आ रहा होगा कि अच्छा लग रहा है। फिलहाल तो मैं आपको यूनिवर्सिटी के सामने का ही दिखा रही हूँ। देखो अभी ये हमारी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी सी, देखा जाए तो गाइस NSMU का सबसे अट्रैक्टिव चीज़ जो है वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। इतना सुंदर बिल्डिंग है यहाँ का, इतना सुंदर दिखता है, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी जगह पे आया, बहुत बड़ा जगह है ये, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी टाइप लगती है। देखो गए सारी जगह, अब आप समझ लो कि पूरे जगह पे सिर्फ प्लांटेशन ही हो रहे हैं, ग्रीनरी कहीं ना कहीं वापस जहाँ जहाँ मतलब इनको स्पॉट दिख रहा है ना, ये हर जगह ग्रीनरी ला रहे हैं। और मौसम तो आज बहुत अच्छा है, बस यही है कि थोड़ी ठंडी हो गई है और हवा बहुत चल रही है, बाकी तो आप देख ही सकते हो कितना सुंदर हो गया। और ये सारी जगह भी बहुत प्यारी है। देखो अभी इस रास्ते में जाने में अलग ही मज़ा आता, लेकिन मुझे उधर जाऊँ अगर मैं इधर जाती हूँ ना तो मुझे फिर घूम के उधर आना पड़ेगा, तो मेरे लिए डबल मेहनत है, तो मैं नहीं करूँगी, आई एम सॉरी। तो हम इधर ही चलेंगे अभी फ़िलहाल, और आप देखते जाओ ये हमारी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी तो मैंने आपको अब बाहर से दिखाई दी है, मैं उस एरिया को भी आपको दिखा दूंगी हल्का सा, और फिर उसके बाद मैं आपको अभी लेके चलती हूँ बैकयार्ड में कि अब बैकयार्ड कैसा दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको बैकयार्ड भी दिखाया है स्प्रिंग में, विंटर में, तो समर में बनता है बिल्कुल, तो बैकयार्ड भी हम जाएंगे आज।
अभी गाइज आप बस इमेजिन करो कि देखो इतने अच्छे अच्छे पेड़ हैं यहाँ पे, इतने सुंदर सुंदर ग्रीनरी है। तो बीइंग अ नेचर लवर आप यहाँ पे मस्त चल रहे हो, कितना अच्छा लगेगा आपको सोचो। हाँ ये थोड़ा सा नॉइस है बट स्टिल कितना अच्छा सुकून भरा जगह लग रहा है ये, मैं क्या बताऊँ। और ये देखो गाइस ये एंट्री है, मैं हज़ार बार आपको बता चुकी बट स्टिल अगेन, ये हमारी एंट्री एरिया है। यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हैं, मैंने आपको सामने से भी दिखाया है हर बार, मैं अभी फिर से दिखा दूँगी आपको बाहर से। तो अभी तो हमें दूसरे साइड जाना पड़ेगा। देखो गाइस ये एरिया कितना सुंदर लगने लगा है अब। हज़ार बार दिखाई होंगी, शायद हज़ार बार बताई भी होंगी, इससे मैं आपको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बता रही हूँ कि हाँ देखो ये है, देखो वो है, क्योंकि वही चीज़ आप भी सुन सुन के लग रहा होगा आपको अभी कितनी बार बताएगी, तो मैं आपको बोर नहीं करूँगी उस चीज़ में। बस ये है कि जो मुझे कुछ दिखाने लायक लग रही है या फिर कोई चीज़ में मुझे लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, तो मैं आपको वो दिखा दे रही हूँ यहाँ पे। तो गाइस ये हम आ गए हैं हमारी यूनिवर्सिटी के पास, और देखो ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, इसमें तो कितने अच्छे फूल वूल भी उगे हुए हैं। सो या और ये है हमारी यूनिवर्सिटी ये वाली। ओके अभी देखो बारिश हुई है तो या पानी अभी है यहाँ पे, बट ऐसे नहीं रहता था बट या तो ऐसी है हमारी यूनिवर्सिटी अभी समर्स में, ऐसी दिख रही है इतनी प्यारी सुंदर सी। एंड ये एरिया है हमारा बैकयार्ड जिसमें अभी हम चलेंगे, लेकिन हम उधर साइड से जाएंगे क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा सामने से दिखा देती हूँ कि यूनिवर्सिटी कैसी दिख रही है। एंड देखो यहाँ पर भी प्लांटेशन हुए रखे पूरे, तो कुल मिला के हर जगह ही अब रशिया में प्लांटेशन हो रहे हैं। एंड गाइस देखो वो बाइक, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप उसको में राइड कर सकते हो और उसकी एक पार्किंग होती है, आपको वहाँ छोड़ना रहता है, तो ऐसे बहुत अब बाइक्स आपको दिख जाएंगे पूरे आर्खांगल्स में देखा जाए तो। एंड देखो गाइस ये बैरिगेट्स वगैरह पूरे लगे हुए हैं, लेकिन अब हम इधर नहीं जा रहे, ठीक है आप देख लो यूनिवर्सिटी हमारी एक बार, ठीक है अब हम इधर जा रहे हैं डायरेक्ट स्ट्रेट अवे टू द बैकयार्ड। अब गाइस आप खुद मुझे बताओ कमेंट्स में कि आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि मैं तो बहुत हर टाइम देखा है मैंने, एंड मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है कि मतलब आपको यहाँ पे अभी क्या डिफरेंस लग रहा है, क्या आपको सुंदर लग रहा है सारी चीज़ें, आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से बताऊँ आपको तो मैं ये बोलूँगी कि ऑफकोर्स ग्रीनरी इज़ बैक, और दूसरी चीज़ अभी जो हम जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी हमें वो थी धूप, और वो अभी आ गई है, और वही चीज़ हमको सबसे ज़्यादा खुश कर रही है, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा खुश कर रही है, क्योंकि मैं पक गई थी, मतलब 4-5 दिन से लगातार यहाँ पे सिर्फ बारिश ही हो रही थी, और अभी तो हमारे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तो बहुत टेंशन होता था कि भाई एग्ज़ाम टाइम पे बारिश मत हो रही हो, नहीं तो फिर जाने में भी दिक्कत होती थी यार, तो ये सारी बहुत दिक्कतें हो रही थी। तो अभी आई एम वेरी हैप्पी विद द सनलाइट। गाइस ये सारे कैफेज वगैरह ये भी मैंने आपको शो किए ही हैं ऑलरेडी, बट स्टिल अगेन मैं शो कर दे रही हूँ आपको। एंड देखो ये एरिया है, अच्छा आई डोंट नो अब आपको मेरी आवाज़ बहुत क्लियरली आ रही है या नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है, बट अब एक चीज़
एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये जगह अभी बंद कर दी गई है यार, शायद कुछ रेनोवेशन या कुछ तो ये कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है अच्छी बात है। हाँ आई थिंक ये पूरे टाइलिंग्स ठीक कर रहे होंगे, सो दैट इज द इंटरनल फ्रेम आज जल रहा होगा अभी। उधर से मैं आपको पीछे साइड होके दिखाऊंगी, ठीक है। एंड वो देखो वो रिवर हमारी, और ये देखो हवा कितनी तेज चल रही है, आप उससे समझ लो बहुत तेज हवा चल रही है, मतलब आप खड़े रहोगे तो पीछे ढकेलने वाली हवा है यहाँ पे। तो मैं अभी ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे ये है कि मेरी तबीयत ना खराब हो जाए। और देखो सनलाइट कितना सुंदर लग रहा है अभी यहाँ पे, एंड ये एरिया बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। अब जब यहाँ आओ ना तो ये सारे एरिया जरूर आना, जरूर घूमना ये सारी जगह। तो इंटरनल फ्रेम मैं आपको दिखाती हूँ अगर मुझे खुद दिख जाए तो, क्योंकि मुझे अभी तक दिख नहीं रहा है, चल रहा है कि मुझे क्या पता है, मुझे नहीं आ रहा। हाँ चल रहा है, चल रहा है गाइस। रुको कैसे दिखाऊं आपको, रुको मुझे उधर से जाना पड़ेगा थोड़ा सा सामने, तब मे भी आपको दिखेगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ दिख रही है, आपको दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आई थिंक आपको दिखा होगा कुछ ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा होगा आपको, देखो 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 अब दिखा होगा आपको हल्का सा, हाँ अब दिख रहा होगा गाइस। तो ये देखो अभी भी जल ही रही है ये, तो क्या बोले, मतलब इतनी तेज हवा में भी नहीं ये बुझ रही है। That's it for this video guys. मैं एक्चुअली यहाँ पे आपको पूरी यूनिवर्सिटी ही दिखाने लाई थी, ये एरिया दिखाने लाई थी कि समर में आप देख लो कि यहाँ कैसा नजारा होता है, कैसा दिखता है ये जगह। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिलो टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई चैनल। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।